सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी सौगात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रगति मैदान के इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। इसके उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गारंटी दी कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। इस गारंटी के साथ मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोका। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस निर्माण को रोकने के लिए नकारात्मक सोच वालों ने क्या कुछ कोशिश नहीं की। खूब तूफान मचाया, अदालतों के चक्कर काटे, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर होता है। अब यह सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने। प्रधानमंत्री, इस हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं। नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। चलिए कुछ और खबरों को अब देखते हैं। अलवर के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू इन दिनों देश विदेश में मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से निकाह करने की खबरें पाकिस्तान से लगातार मिल रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंजू के एक के बाद एक झूठ बोलने की पूरी कहानी। अंजू के झूठ का पर्दाफाश। पति से किए झूठे वादे का खुलासा। सरहद पार अंजू हो गई बेनकाब। नकाब में अंजू, बेनकाब वादे। अंजू जो आज पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, जिसने भारत से लेकर पाक मीडिया को भी अपने झूठ से छका रखा है। आज हम उसके हर झूठ को बेनकाब करने जा रहे हैं। अंजू जो नकाब पहनकर पाकिस्तान की कोर्ट में चक्कर लगा रही है, आज उसके झूठ के नकाब को बेनकाब करने जा रहे हैं, जिसका नाता यूपी और राजस्थान से जुड़ा है। असल में वो मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी। एमपी के ग्वालियर के टेकनपुर के पास पैदा हुई थी अंजू।
प्रसाद थॉमस की बेटी अंजू का 1988 में हुआ था जन्म। 3 साल की उम्र में यूपी के जालौन में मामा के घर चली गई थी। पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में राजस्थान के भिवाड़ी आई थी। 2007 में अरविंद से अंजू ने लव मैरिज की। भिवाड़ी के चर्च में धर्म परिवर्तन कर अंजू ने शादी की थी। पाकिस्तान जाने से पहले अंजू भिवाड़ी के एक मोटरसाइकिल कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करती थी। अंजू अपने पति के साथ भिवाड़ी के टेरा अलीगंज सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहती थी। इसी दौरान अंजू की मार्च 2019 में फेसबुक से चैटिंग के दौरान नसरुल्लाह से बातचीत शुरू हुई। नसरुल्लाह से लगातार बातचीत के कारण 2020 में अंजू और अरविंद के बीच रिश्ते में खटास शुरू हो जाती है और दोनों के बीच कई बार मनमुटाव और तनाव भी होता है। अंजू धीरे धीरे नसरुल्लाह के प्यार में नए सपने संजोने लगी और सीमा पार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा दीर जिले में रहने वाले नसरुल्लाह से मिलने की प्लानिंग शुरू की और फिर यहीं से अंजू के झूठ की कहानी की शुरुआत होती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं है जानकारी मेरे को। अगर ऐसी जानकारी मिलती है या इसमें कहीं सच्चाई भी है तो आपका क्या कदम रहेगा या क्या आप पैरवी करेंगे? सर, अगर इसको ऐसी करनी होती तो पहले भी कर ले सकती थी। क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए अंजू ने पति से पहला झूठ बोला था। विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए पासपोर्ट की जरूरत बताया। 2021 में पासपोर्ट बनवा लिया था लेकिन पति से झूठ बोला। पति से नसरुल्लाह को दोस्त बताया था जबकि दोनों में प्यार था। अंजू ने नसरुल्लाह से बातचीत शुरू कर पाकिस्तान का वीजा लगाया। 2 साल तक अंजू और नसरुल्लाह वीजा की प्रक्रिया में लगे रहे थे। 20 जुलाई 2023 को जयपुर जाने की बात कहकर पाक चली गई। 20 जुलाई अंजू सोसाइटी से ऑटो रिक्शे में बैठकर दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए बस के रास्ते वाघा बॉर्डर से 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच जाती है, जहां लाहौर में बस से उतरने के बाद नसरुल्लाह उसे लेने के लिए आता है और अपने घर लेकर चला जाता है। 23 जुलाई को मीडिया में खबर आने के बाद अरविंद को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी युवक से मिलने पाक गई है। अरविंद ने जब फोन किया तो उसने उसे लाहौर में होना बताया, जबकि वो खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के घर में बैठी हुई थी। अब अंजू के निकाह करने और वेडिंग स्टाइल में वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई है कि अब वो धर्म परिवर्तन कर फातिमा बन गई है और नसरुल्लाह से विवाह कर लिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक हलफनामा भी वायरल हो रहा है जिसमें मेहर की राशि निकाह के लिए 10 तोला सोना तय की गई है और अंजू से फातिमा बन गई। अंजू लगातार अपने पति और परिवार को धोखा देती रही। अब अंजू का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो नसरुल्लाह को अपना दोस्त बता रही है और जल्द भारत आने की बात कह रही है। क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। फिलहाल इस पूरे कहानी में अरविंद अब अपने 2 बच्चों के साथ अकेला रह गया है और वो सोसाइटी को छोड़कर चला गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए न केवल बीजेपी की सरकार को कई मुद्दों पर निशाने पर लिया
बल्कि सत्ता में लौटने पर किसानों के लिए कई बड़े काम करने का वादा कर दिया। लेकिन कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला बोल दिया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के पीछे कांग्रेस का मकसद किसानों को साधना था, लिहाजा पूरी प्रेस वार्ता में फोकस किसान पर नजर आया। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, बल्कि सत्ता में लौटने पर किसानों के लिए क्या प्लान है इसे भी बताया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा झूठी घोषणाएं की। नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि किसानों पर कर्जदारी बढ़ती जा रही है और ये चिंता की बात है। इस प्रेस वार्ता में कमलनाथ ने ऐलान किया कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे, किसानों का इनपुट खर्च कम करने का काम करेंगे, 37 लाख किसानों को इससे फायदा होगा, सिंचाई के लिए 5 एचपी के पंप निशुल्क दिए जाएंगे, किसानों का बिजली बिल माफ होगा, किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी, किसानों पर चल रहे मुकदमे वापस होंगे। प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है, नीति आयोग ने भी ये आंकड़े दिए हैं। प्रदेश के किसान कर्जदार हो गए, आय बढ़ती तो किसान कर्जदार क्या होता। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे, तो कर्जे का क्या होगा, कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहे। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया है, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया है हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त बेनिबाद बिजली उपलब्ध कराएंगे, 12 घंटे हम करेंगे। हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सब को हम वापस लेंगे। इधर कमलनाथ ने पीसी में किसानों के लिए वादों की झड़ी लगाई तो सावन के महीने में बीजेपी ने कमलनाथ पर आरोपों की झड़ी लगा दी। चिर परिचित अंदाज में प्रदेश के गृह मंत्री बोले कि जिन्हें कोई लेना देना नहीं वो वादे ही तो करेंगे, लेकिन हम जो कहते हैं वो देते हैं। कमलनाथ सपनों में रहने वाले नेता हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीखा हमला बोला और कहा कि कमलनाथ की पहचान कमीशन नाथ के रूप में है। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे, कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए? आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और काय बात की है और कैसी है वो? कमलनाथ जी, कितना ही झूठ बोले आप। दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है, हां मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो कांग्रेस को किसान याद आ रहा है। कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने किसानों के साथ छल किया, सरकार बनाने के लिए आपने 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, राहुल गांधी ने कहा था, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने रहे, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि किसानों को बर्बाद कर दिया, उनको कर्ज के ऊपर धकेल दिया, फिर तुम धोखा देने के लिए आ गए हो। खेती किसानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब जब चुनाव आता है तो सियासी दलों का फोकस किसानों की ओर बढ़ ही जाता है। दरअसल 2018 में किसान कर्ज माफी के वायदे ने कांग्रेस को सत्ता में बैठाया था, लेकिन 15 महीने में ही सरकार बदल गई, जिसके बाद अब जब एक बार फिर से चुनाव सामने है तो कांग्रेस का फोकस किसान पर है।
वहीं पिछली गलती से सबक लेकर बीजेपी इस बार कांग्रेस को हर तरीके से घेरने में लगी है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखा दी। स्वरई में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं को चरण पादुका योजना के तहत सौगात दी। इसके अलावा रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। सिंगरौली में सीएम ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 53,000 गांव से होकर गुजरेगी और हर गांव से मिट्टी और जल लेकर 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। सागर में 12 अगस्त को पीएम मोदी संत रविदास मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ने संत रविदास को याद किया और भव्य मंदिर निर्माण की बात कही। ये यात्राएं जा रही है गाँव, समरसता यात्राएं, ये गाँव गाँव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सिंगरौली के सरई पहुंचे। उन्होंने रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया, साथ ही तेंदु पत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को योजना का लाभ दिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब ही भगवान है। जो दीन है, दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं। सीएम ने बैगा जनजाति को अति पिछड़ा जनजाति में शामिल करने का बड़ा ऐलान भी किया। इसके साथ ही सिंगरौली को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। अभी तक तो फर्जी कॉल करके आम लोगों को शिकार बनाने की खबरें सामने आया करती थी, लेकिन अब तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि राजनीतिक लोगों को भी शिकार बनाने की कोशिश होने लगी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी ऐसा ही सेक्स टॉर्शन का कॉल आया। फिर क्या हुआ देखिए सर। फर्जी कॉल्स और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के जरिए आम लोगों को ठगने वाले अब राजनीति के दिग्गजों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। ताजा मामला केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़ा है, जिसमें अज्ञात लोगों ने उन्हें अश्लील वीडियो भेजकर सेक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वे गोटे गांव में थे, तब उन्हें मोबाइल पर कॉल आया। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, तभी कॉल पर अश्लील कंटेंट आना शुरू हो चुका था, लेकिन उन्होंने तुरंत कॉल कट किया और तत्काल अपने कर्मचारियों को इसकी जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जब मैं अपने शोक के छड़ों में गोटे गांव में था, ये तब की घटना है। मेरे मोबाइल पर एक कॉल आता है और बिल्कुल विद इन ए सेकंड जो चीजें दिखती हैं, तो मैंने उसको कट किया। वो जो कन्वेंशन से मैंने उनको और प्लस उस फोटो को मैंने क्राइम ब्रांच दिल्ली को पहुंचाया। वहीं इस पर जांच करते हुए राजस्थान के भरतपुर से मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस त्वरित कार्रवाई के लिए केंद्रीय मंत्री ने क्राइम ब्रांच को शुक्रिया कहा है। मैं क्राइम ब्रांच को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पता चला है कि दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन्होंने त्वरित कार्रवाई की थी मेरे बंगले पर आकर। मैं वहाँ पर नहीं था, तो मेरे जो ऑफिस के लोगों ने उनको सूचना दी, उस आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और मुझे कल पता चला कि दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच दिल्ली को धन्यवाद। मंत्री प्रहलाद पटेल ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी की कोशिश होती है, तो बिना डर और देरी के पुलिस को खबर करनी चाहिए, जिससे अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। और मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसे मामलों में जिनके सामने होता है, उनको साहस का परिचय देना चाहिए। उनको ये लगता है कई बार कि पता नहीं इसके परिणाम क्या होंगे। मुझे लगता है कि साहस अगर करेंगे
तो इस टाइप ऐसे अपराधियों को सजा भी मिलेगी और शायद ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन आम लोगों को मैं कहूँगा कि इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इमीडिएट हमको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी किसी ब्लैकमेलिंग गिरोह से जुड़े हैं। बहरहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश में लग गई है। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।